Hello, viewers. Uh, we are going to talk about uh, self management core skills and uh, specifically we emphasize on uh, manage organizing. It is uh, basically uh, to adhere sort of uh, information and it is uh, for the child to bring those all information which are necessary for the वादी टास्क स्पेसिफिक टास्क इसमें हम देखते हैं कि बच्चे को सबसे पहले हम वो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन से मुतारफ़ करवा दें और वो उससे तारफ़ हासिल कर ले उससे मानूस हो जाए और उसके बाद आ, उसमें वो अपने तमाम तरह की प्रायोरिटीज़ को सेट करे और उसमें मैनेज करे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी एट द फर्स्ट स्टेज एंड देन ऑन द अदर स्टेज और इसमें uh, साथ साथ वो इन चीज़ों को देखें कि वाट द थिंग इज नीडिड फॉर द सिंथेसिस सिंथिसिस फ्राम द डेटा और डेटा के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत है तो विच आर रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव उस फर्द ने यानी उस बच्चे ने ये देखना है कि मुझे करना क्या है और मुझे uh, कौन से गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं और उसी एतबार से उसके अंदर ये काबिलियत पैदा हो जानी चाहिए कि वो चीज़ों को सेट करे कि मुझे पहले कौन सा काम करना है और मुझे बाद में कौन सा काम करना है और अल्टीमेटली मुझे कौन सी चीज़ डेवलप करनी है मुझे जो मेजर टास्क है उसकी तरफ जाना है और इसमें हम देखते हैं कि पर्सन इज़ टू सी इट्स टाइम टेबल औकातः कार का तय उसका दौरानिया और उसका वक्त पर करना उसको सेट करना ये उसे आ जाना चाहिए तो उसे टाइम फिक्स करना आ जाना चाहिए कि मुझे कितना टाइम दरकार है मुझे उसमें कितने दौरानिए के लिए काम करना है और फिर यह है कि ये काम मेरा इस दौरानिए में फिनिश हो जाएगा और इसके साथ साथ हम ये चीज़ें भी देखते हैं कि बात द पर्सन बिकम ओवर एस्टिमेटेड यानी टाइम या तो बहुत ज़्यादा रख लिया या यह है कि टाइम काम था वो बात मुकम्मल ना हो सकी इसी चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज करना सीखना है सिखाना है और बच्चे इन चीज़ों को तब सीखते हैं जब उनके अंदर छोटे छोटे टास्क और छोटे छोटे टाइम के सैगमेंट्स फिक्स करने आ जाए और वो अपने उस मखसूस टाइम के अंदर उस अपनी मखसूस एक्टिविटी को मुकम्मल कर लें तो दे विल बिकम वेरी सक्सेसफुल एंड दे विल बिकम वेरी हैप्पी एंड देर पर्सनैलिटी ट्रेट्स विल ऑल्सो बिकम वेरी वेरी, वेरी ब्लूमिंग एंड ग्लूमिंग इसमें बाजूकात यह होता है कि टाइम मुकम्मल ना हुआ टाइम शॉर्ट रह गया या ये है कि कोई और इस तरह की एमरजेंसीज आ गई तो उसमें फिर यह है कि द बर्न आउट इज ऑल्सो देयर द पर्सन बिकम वेरी एग्रेसिव द पर्सन बिकम रैश गुस्से में आ जाना और फिर यह है कि हमारे एक्शन जो है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं और हम अपने आप को सेल्फ आर्गनाइज नहीं कर पाते हमारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स मुतासर होते हैं अल्टीमेटली बच्चा जो है ना वो अपने आप को आर्गनाइज़ ओवरऑल करने में दिक्कत महसूस करता है लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे की मदद इस तरह से की जाए तो वो छोटे छोटे टास्क अपने छोटे छोटे टाइम के सेगमेंट्स के साथ मुकम्मल करें और फिर ओवरऑल टास्क इंतहाई खूबसूरती खुण के साथ वो मुकम्मल करें और इसमें मजीद हम ये देखते हैं कि दो दो, दो टाइम टेबल के अंदर जो दौरानिया की पाबंदी है और वक्त की फिक्सनेस है उसको हम देखें कि वट इट इज़ लीडिंग टू वर्ड्स इट लीडिंग टू वर्ड दर्सनैलिटी डेवलपमेंट अल्टीमेटली उसके एक्शंस खूबसूरत होंगे उसके एक्शंस प्रॉपर होंगे एक्शन सूटेबल होंगे एक्शन एडहीयरिंग होंगे दूसरे फर्द को वो बड़े तहमुल के साथ बयान कर सकेगा उसकी बात को सुन सकेगा उसको सही सूटेबल रिस्पॉन्स दे सकेगा जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा और इसमें आ, आ, हम ये भी देखते हैं कि जो एलोकेशन ऑफ द डिफरेंट टास्क डिफरेंट uh, टाइम ये आ, हमें छोटे छोटे टास्क करने के बाद इस पर दस्तरस हासिल हो जाती है कि हम बड़े टास्क के लिए ज़्यादा टाइम छोटे टास्क के लिए छोट मुख्तसार टाइम या सूटेबल टाइम हम मखसूस रखते हैं तो समाइम हमें ऐसा टाइम भी स्पेयर रखना चाहिए कि बात वी मेट विद एमरजेंसी कि एक काम मुकम्मल नहीं हो सका या कोई ऐसी उसमें हैफेजट सिचुएशन डेवलप हो गई लाइट चली गई या फिर यह है कि कोई और इस तरह से इवेंट हो गया जिसकी हमें तो नहीं थी तो उसके लिए पे टाइम हमें स्पेयर करना होगा कि वी सेट सम लेफ्ट ओवर टाइम फॉर मैनेजिंग एंड मीटिंग द एमरजेंसीज और यही आ, तो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ हैं कि हम किस तरह से तमाम तरह की एबिलिटीज़ को सेट uh, करना सीख लेते हैं और उसके मुताबिक हम रिफ्लेक्ट uh, करते हैं एंड दिस विल बिकम पार्ट ऑफ ओवर पर्सनैलिटी एंड विल बिकम मोर कॉम्पिटेंट इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड दीज आर द बेसिक एंड कोर स्किल्स थैंक यू वेरी मच